डॉक्टर माधवी अपने केबिन में बैठी हुई थी और नाभी वाले केसेस की फाइल के पन्ने पलट रही थी। तभी डॉक्टर माधवी का फोन बजता है। डॉक्टर माधवी के फोन में एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, डॉक्टर माधवी फोन उठाते हुए कहती है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। फोन के अंदर से एक आवाज आती है। मैं कौन? डॉक्टर माधवी ने कहा। अरे भूल गई हमें, वही जिन फाइलों के बदले तुम 1-1 लाख लेती हो। अच्छा आप, वो क्या ना, नंबर सेव नहीं था। ये आप हर बार नए नंबर से कॉल करते हैं तो समझ ही नहीं आता है। अगर एक ही नंबर से कॉल करेंगे और कभी तुम पकड़ा गई तो हम नहीं पकड़े जाएंगे क्या? सेफ्टी एडवांस में ही साथ लेकर चलना चाहिए, समझी? हाँ समझ गई। वैसे मैंने फोन इसलिए किया था कि आजकल तुम नाभी वाले केसेस की फाइल नहीं दे रही हो। कैसे दूं? केस आएंगे तब तो दूंगी ना, यहाँ किसी का खून ही नहीं हो रहा। माधवी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके केबिन में इंस्पेक्टर अजय आ जाता है और अचानक से अजय को देखकर डॉक्टर माधवी शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, कहीं इंस्पेक्टर अजय ने उसकी सारी बातें तो नहीं सुन ली। अगर खून नहीं होगा तो कमजोरी तो होगी ना, उनके शरीर में खून की कमी है। आप लेकर आ जाना, यहाँ पर ओ पॉजिटिव ब्लड अवेलेबल है, आप आ जाना मैं लगा दूंगी। डॉक्टर माधवी बात को पलटकर इतना कहकर फोन कट कर देती है। तो कैसे इंस्पेक्टर अजय आप? डॉक्टर माधवी अजय से कहती है। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अजय ने कहा। जी मैं भी ठीक हूँ। तभी अजय की नजर डॉक्टर माधवी के टेबल पर रखी फाइल पर जाती है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं ये फाइल देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर माधवी मन ही मन सोचने लगती है कि इसकी इस पर कब नजर पड़ गई। अजय फाइल उठाता है और उसके पन्ने पलटने लग जाता है। डॉक्टर माधवी मन ही मन घबराने लगती है और सोचने लगती है कहीं अजय को पता ना चल जाए कि वो नाभी वाले केसेस की फाइल किसी को दे देती है। डॉक्टर माधवी यही सोच सोच कर पसीने से भीग जाती है। डॉक्टर माधवी को बहुत टेंशन होने लगी थी। डॉक्टर माधवी, इसमें तो वो सारे नाभी के केसेस की लिस्ट है जो बलमा टोला गांव में हुए हैं। आपने ये फाइल क्यों बनाई है? आप कब से पुलिस का काम करने लग गई? अजय ने कहा। वो क्या है ना अजय, मैंने सोचा इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये फाइल बनाई। इससे तुम्हें आसानी होगी जानने में कि कितने केसेस हुए और किस तरह से हुए। डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए अपनी टेंशन अपने चेहरे के पीछे छुपाते हुए कहा। अच्छा, वैसे कैसे आना हुआ, कोई नया केस आया क्या? डॉक्टर माधवी ने कहा। अरे नहीं, कोई नया केस नहीं आया, वो तो मैं आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। क्या कहा, प्रॉब्लम? आपको प्रॉब्लम है? अच्छा तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। कुछ दिनों से एक सपना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैसा सपना, क्या आप मुझे डिटेल में समझाएंगे? आप गौरी को तो जानती होंगी है ना, वो पिछले साल जिसकी लाश हमें बलमा टोला गांव के तालाब से मिली थी, मुझे सपने में वो गौरी दिखाई देती है। क्या कहा, वो गौरी? जी हाँ, वो गौरी नर्स की ड्रेस पहने हुए रहती है एक अस्पताल के अंदर और उसके हाथ में एक नवजात बच्चा रहता है। वो उस बच्चे को कोई सा इंजेक्शन लगाती है और वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तभी मेरी नींद खुल जाती है और फिर रात भर मुझे उस बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस कारण मैं रात भर सो नहीं पाता। तो ये परेशानी है। आप ये बताइए कि कब से आपको ये सपने आ रहे हैं? जी बस अभी 1 हफ्ता ही हुआ होगा। अच्छा देखो अजय, ये सपना जो तुम्हें बार बार आ रहा है ये आमतौर पर कच्ची नींद में आते हैं। ये सब हमारे अचेतन मन और दिन भर के तनाव के कारण होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम दिन भर जो काम करते हैं अक्सर सपने में उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखते हैं। तुम दिन भर नाभी वाले केसेस की तहकीकात कर रहे होते हो, शायद इसी वजह से सपने में तुम्हें गौरी नजर आ रही है। और ये जो बच्चा है ना, वो तुम्हारे सपने की परिकल्पना है और कुछ भी नहीं। अक्सर ऐसे कुछ सपने नाइटमेयर बन जाते हैं, आमतौर पर सबको ऐसे सपने आते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।
जी, इसका कोई इलाज है क्या? हाँ, क्यों नहीं, मेडिकल साइंस में सब चीजों का इलाज है। जो बीमारी तुम्हें हुई है उसे पोस्ट ट्रॉमेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, और शॉर्ट में मतलब PTSD। वैसे शुरुआत में बिना दवाइयों के भी ये ठीक हो जाता है, बस आपको रिलैक्स करना है और नींद पूरी लेनी है। अगर फिर भी नाइटमेयर कम ना हो तो मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ। इसमें कुछ नींद की और कुछ एंटी स्ट्रेस की कैप्सूल्स हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, जितना हो सके उतना तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, और जो दवाइयां लिखी है ना उसे लिमिट में लेना, ज्यादा नहीं, वरना ये हानिकारक हो सकती हैं। जी डॉक्टर माधवी। डॉक्टर माधवी अजय को पर्ची में लिखकर दवाइयां देती हैं और अजय वहां से चला जाता है। दोपहर के 3 बज गए थे। माखनलाल और अजय जिप्सी से कहीं जा रहे थे। माखनलाल जिप्सी चला रहा था और अजय माखनलाल की साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। साहब, मेरे एक बात नहीं समझ आई, हम लोग रुद्र के घर क्यों जा रहे हैं? माखनलाल ने कहा। माखनलाल, कैसी बातें कर रहे हो, क्यों जा रहे हैं क्या क्या मतलब? तन्वी के पूरे केस में रुद्र का ही तो अहम रोल है। मतलब कैसे साहब, मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, देखो, रुद्र का रिसेप्शन पार्टी में जाना और तन्वी का गायब हो जाना, और एक और बात, तन्वी तब ही गायब हुई जब अनन्या ने उसे गले लगाया। हाँ साहब, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। माखनलाल, क्या तुमने एक और बात नोटिस की? कौन सी बात साहब? याद है जब रुद्र की गौरी से शादी होने वाली थी तो गौरी भी गायब हो गई थी, और जब रुद्र तन्वी की शादी में गया तो तन्वी भी गायब हो गई। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि रुद्र मनहूस है, जिस शादी में जाता है वहां की दुल्हन गायब हो जाती है? नहीं माखनलाल, मैं बस ये साफ करना चाहता हूँ कि इन सब का रुद्र से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। जितना मुझे तन्वी के बारे में पता है, तन्वी का इस दुनिया में कोई नहीं, और गौरी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हाँ साहब, ये बात भी बहुत ही कॉमन है। माखनलाल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें रुद्र के घर पर जाकर पता चलेगा कि आखिर तन्वी ने कुलदीप से शादी क्यों की, जबकि वो तो रुद्र से प्यार करती थी, और गौरी के मर जाने के बाद तो रास्ता साफ हो गया था, रुद्र और तन्वी आराम से एक दूसरे से शादी कर सकते थे। हाँ साहब, ये बात तो मेरी भी समझ नहीं आ रही। अजय और माखनलाल रुद्र की हवेली पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और पास ही में रुद्र की जिप्सी खड़ी हुई थी। अजय उस जिप्सी को चारों तरफ से देखने लग जाता है। अजय रुद्र की जिप्सी के चारों तरफ घूमने लगता है। अजय को जिप्सी के चारों तरफ घूमता हुआ देखकर माखनलाल कहता है, साहब आप ये क्या कर रहे हैं, जिप्सी के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? माखनलाल, मैं ये देख रहा हूँ कि किसी की नजरों से छुपाकर जिप्सी के अंदर किसी को किडनैप किया जा सकता है या नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रुद्र और उसके दोस्तों ने मिलकर तन्वी को किडनैप किया है? माखनलाल, ये जो दोस्त होते हैं ना, दोस्ती के लिए सब कुछ कर सकते हैं। किडनैप क्या, किसी का खून भी, और मैंने पहले ही कहा था किसी को पाने के लिए रुद्र कुछ भी कर सकता है, वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है।